नमस्कार, मैं कल्पना आपका न्यूज़ 47 में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने टॉप 10 सीरीज़ में लेके आए हैं टॉप 10 हैंडसम मैन के बारे में। तो हम में से मोस्टली लोगों को सिर्फ बॉलीवुड पर्सनालिटी के बारे में पता है। अगर मैं बोलूँ कि आज हम बात करते हैं टॉप 10 हैंडसम मैन के बारे में, तो आपको लगेगा कि ये सब बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ है। लेकिन नहीं, हमारे देश में हर फील्ड में एक चार्मिंग पर्सनालिटी है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, और वो फील बॉलीवुड के साथ साथ यूट्यूबर, पॉलिटिशियन, ब्लॉगर, राइटर एंड मैनी मोर। तो चलिए बात करते हैं टॉप 10 हैंडसम मैन इन इंडिया के बारे में। प्रिंस नरूला। प्रिंस नरूला एक इंडियन मॉडल और टीवी के रियलिटी शो में फेमस पर्सनालिटी है। ये MTV रोडीज X2 और MTV स्प्लिट्सविला 8 में पार्टिसिपेट बने और विनर भी रहे। उसके बाद उन्होंने वह बिग बॉस 9 में भी पार्टिसिपेट बने थे। प्रिंस नरूला ने 12 अक्टूबर 2018 को युविका चौधरी से शादी की। वह सबसे चार्मिंग पर्सनालिटी में से एक है। आशीष शर्मा। आशीष शर्मा एक इंडियन फिल्म और टेलीविजन एक्टर हैं। उन्हें पृथ्वी वल्लभ में पृथ्वी वल्लभ के रोल के लिए पहचाना जाता है। इतिहास भी, रहस्य भी, सिया के राम में भी, और चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य से। 2015 में आशीष एक शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी में उन्होंने एक आरजे का रोल प्ले किया था, जिसने इंडिया के रियल हीरोज का इंटरव्यू लिया था। करेंटली वे सोनी टीवी पर सोनी ओरिजिनल शो पृथ्वी वल्लभ में पृथ्वी वल्लभ का रोल कर रहे हैं। वे दिखने में भी काफ़ी हैंडसम हैं और इसी कारण उन्हें चार्मिंग पर्सनालिटीज में से एक कहा जाता है। YS जगमोहन रेड्डी। येदुगिरी सदिंती जगमोहन रेड्डी, जिन्हें YS जगन के नाम से भी जाना जाता है, एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो 2019 से आंध्र प्रदेश के 17वें और करेंट CM है। वे YSRCP कांग्रेस के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। वे आंध्र प्रदेश के फॉर्मर CM YS राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। उन्होंने 2014 और 2019 के बीच आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में ओपोजिशन लीडर के रूप में काम किया है। रणविजय सिंह एक इंडियन एक्टर, टेलीविजन पर्सनालिटी और VJ हैं। रणविजय MTV रोडीज में अपनी अपेयरेंस के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने शो जीता था। वे 2004 से 2019 तक शो का पार्ट रहे हैं और ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं, पहले एक गैंग लीडर के रूप में और अब एक होस्ट के रूप में। उन्होंने टॉस अ फ्लिप ऑफ डेस्टिनी 2009 में बॉलीवुड में अपनी स्टार्टिंग की। रणविजय ने लंदन ड्रीम्स 2009 और एक्शन रिप्ले 2010 में भी काम किया है। रणवीर अलाबदिया एक सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड सून टू बी ऑथर। इसके साथ ही एक पॉडकास्ट होस्ट जो इंडिया का टॉप पॉडकास्ट चलाते हैं, द रणवीर शो। करेंटली उन्होंने बीर बाइसेस प्राइवेट लिमिटेड की एस्टैब्लिशमेंट की है, जो एक ऐसी कंपनी है जो वेरियस फॉर्मेट में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बनाती है। आज मॉर्क एंटरटेनमेंट एक 80+ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिजिटल मार्केटिंग और टैलेंट मैनेजमेंट के लिए वन टॉप सॉल्यूशन है। स्पेस में टॉप मीडिया कंपनीज में से एक के रूप में जाना जाता है। संदीप महेश्वरी उन मिलियन लोगों में से एक नाम है जिन्होंने स्ट्रगल किया, फेल हुए और सक्सेस, हैप्पीनेस और कंटेनमेंट के सर्च में आगे बढ़े। किसी भी मिडिल क्लास गाय की तरह उनके पास भी अनक्लियर ड्रीम्स का एक बंच था और लाइफ अपने गोल्स की ब्लर्ड विजन था। उनके पास केवल अनडाइंग लर्निंग एटीट्यूड था जिस पर वे टिके रहने थे। अप्स एंड डाउन से गुजरते हुए ये वे टाइम था जिसने उन्हें अपनी लाइफ का सही मीनिंग सिखाया। डॉक्टर तिलक तनवर एक चार्मिंग और रॉकिंग पर्सनालिटी हैं। वे एक रीनोन ऑथर हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें दिमाग को खिलाओ पेट को नहीं, 100 इंस्पायरिंग इंडियंस और मेरी 35 बेटियां हैं। उनकी कई बुक्स को नंबर 1 बेस्ट सेलर के नाते रिवॉर्ड मिला है। वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं मैक्सिमम स्पीचेस इन मैक्सिमम लैंग्वेजेस में। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट और कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेमिनार किए। साथ ही में वे आर्ट प्रोडक्शंस के डायरेक्टर, PR कंपनी जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और साथ ही में एक EWS चैनल, पोर्टल और 2E मैगजीन्स के ओनर हैं। डॉक्टर तिलक तनवर एक ऑथर कोच के नाते जाने जाते हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को बुक कैसे लिखी जाए उसकी ट्रेनिंग दी है, और वह हाउ टू राइट अ बुक का एक कोर्स रन करते हैं, जिसके अंडर
वे सिखाते हैं कि किस तरह एक बुक को लिखकर अपनी इनकम, लिगेसी और अथॉरिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वे पंजाब मोहाली के रहने वाले हैं। वे 6 फिट के बोल्ड पर्सनालिटीज में से हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वे पंजाब के रहने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि पंजाबीज वैसे ही काफ़ी हैंडसम और रॉकिंग पर्सनालिटीज वाले होते हैं। इसी रॉकिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी के कारण हमने इन्हें अपनी टॉप 10 लिस्ट में इंक्लूड किया, और वैसे भी इनकी पर्सनालिटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अनुराग ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के एक इंडियन पॉलिटिशियन हैं और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से लोकसभा मेंबर हैं। वे प्रेजेंटली स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अफेयर्स के करंट मिनिस्टर हैं। वे पहली बार मई 2008 में बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में एक इलेक्शन में लोकसभा के लिए इलेक्ट किए गए थे। हिमाचल प्रदेश के एक पॉलिटिकल फैमिली से आने वाले वे 4 बार एमपी हैं, 14, 15, 16 और 17वीं बार लोकसभा मेंबर हैं। विराट कोहली। 2008 की स्टार्टिंग में कुआलालंपुर में अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को ग्लोरी दिलाने के बाद असपंग की चुबी टीनेजर विद गेल्ड हेयर शॉट ने पॉपुलैरिटी गेन की। एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कोहली को दुनिया के बेस्ट कंटेम्प्रेरी बैट्समैन में से एक माना जाता है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए 2013 में फ्रेंचाइजी के कैप्टन के रूप में खेलते हैं। वे 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडिया क्रिकेट टीम के पार्ट थे। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन इंडिया के सबसे हैंडसम लोगों में से एक है। वह एक एक्टर और मॉडल है जो बॉलीवुड मूवीज में आए हैं। 2000 में ऋतिक ने एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ कहो ना प्यार है में रोल किया, जो बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल मूवी थी। ऋतिक रोशन एक पॉपुलर फिल्म मेकर और बॉलीवुड एक्टर राकेश रोशन के बेटे हैं। वे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे रिचेस्ट मॉडल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 47।